जिंदाबाद, यानी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यानी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यानी पार्टी जिंदाबाद। मंच को व्यवस्थित किया जाए। अब हमारे माननीय नेता के स्वागत में स्वराज के कुछ बच्चियां स्वागत गान करेंगी। फोटो जिनको भी चाहिए आराम से हम देंगे, सबको फोटो देंगे। हम कार्यक्रम पे एक घंटा के बाद रुकेंगे यहाँ पे। स्वागत गान के लिए बच्चियां उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि मंच को व्यवस्थित कर माननीय को स्वागत गान से सेवा करें। हेलो, आगे में मंजिले बहुत ज्यादा आदमी है, इनको कहिए बैठने के लिए। आप लोगों का सीट पीछे में रखा हुआ है, किसी आप लोग अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आगे में खड़ा मत रहिए। सारा अभिनंदन वंदन क्रमबद्ध से होगा। मैं चाहूंगा आगे में जो भी मीडिया है वो नीचे हो जाए। स्वागत गान में जो दिक्कत हो रहा है, स्वागत गान से पंखों में हो जाए। अरे भाई, आप लोग तो पीछे रखा हुआ है, आप लोग कृपया पीछे में बैठे, अपना अपना सीट ग्रहण करें। आगे में आगे भी जितने भी महानुभाव लोग हैं वो कृपया आपका सीट पीछे में है वो बैठ जाए, जो कि आगे वाले को दिक्कत न हो। कृपया शांति बना रखें, अपने माननीय नेता के सम्मान में अपने समाज की कुछ बच्चियां उनके स्वागत के लिए स्वागत क्रम प्रस्तुत कर रही है। कृपया आप लोग शांति बना रखें और ध्यान से सुने। Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद। आज निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर आज आपके जिला में भागलपुर में पहुंचे हुए हैं। ये यात्रा 25 जुलाई से ही पटना से निकला हुआ है, 2 महीने से अधिक हो चुका है और ये यात्रा निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए है। ये यात्रा 101 दिन का यात्रा है और तकरीबन 2 महीने से अधिक हो चुका है। ये यूपी बिहार झारखंड 3 राज्य में हम लोग जा रहे हैं और 80 जिला में हम लोग जा रहे हैं साथियों, और अपने समाज के हक अधिकार की बात करने के लिए हम लोग आए हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री भागीरथ मंडल जी, हम सभी के अभिभावक हैं, मंच में संचालन कर रहे हैं श्री किशोर देव मंडल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे श्रीमती अंचल कुमारी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रवीण कुमार जी एमपी साहब, मतलब एमपी साहब का मुखिया पति, इसलिए हमारे विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आपका विशेष धन्यवाद और सहयोग इस कार्यक्रम में है। और हमारे अभिभावक बुजुर्ग राजा रामदेव प्रसाद सिंह जी, जो जिला प्रभारी है, 75-80 साल से भी अधिक हो गए लेकिन जोश वही पुराना 40 साल वाला लेके फिरते रहते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हमारे अभिभावक विनय सिंह जी भी, ये भी हमारे बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन ये भी 40 साल के हिसाब से चल रहे हैं, हम मजबूती से काम कर रहे हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भरतदेव चौधरी जी, जो प्रभारी बन के यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे प्रदेश महासचिव, और ये भी हमारे बुजुर्ग गार्जियन है, ये भी 80-85 साल के बाद, और जोश में भी 40 साल वाला जोश प्रभारी मोहन महतो जी यहाँ उपस्थित है, हमारे दिनेश बीन जी बीएमपी पार्टी निषाद विकास के प्रदेश अध्यक्ष है, प्रभारी बन के यहाँ उपस्थित काम कर रहे हैं दिनेश बीन जी, जिस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पप्पू चौहान जी तो नहीं आ पाए यहाँ पे, हमारे दसरा सिंह निषाद जी, राम परमेश्वर सिंह निषाद जी, अनंत लाल महतो जी, शारदा सिंह निषाद जी, जिला अध्यक्ष महिला बीएमपी पार्टी के कीर्ति मंडल जी, उमर बिंद जी, महेंद्र सिंह निषाद जी जो मुंगेर से यहाँ उपस्थित है, सुनील बिंद जी, धीरज महतो जी, राकेश सिंह जी, पटोखा मंडल जी, अर्जुन मंडल जी, अजय महतो जी बीएमपी पार्टी के नेता, दिलीप महतो जी, सुधीर चौधरी जी, विष्णु कुमार जी, संदीप कुमार जी, नारायण मंडल जी, देवेंद्र मंडल जी, सरपंच साहब जितेंद्र देवर जी, बालकृष्ण मंडल जी, सूरज मंडल जी, रोशन मंडल जी, पवन कुमार मंडल जी, सफू शरण सिंह जी, कमिश्नरी मंडल जी, पूर्व पंचायत समिति शेखर सिंह जी, सुदामा प्रसाद निषाद जी, विद्याभूषण निषाद जी, इस कार्यक्रम में मोहम्मद शरीफ जी, शेखर अबुल जी, विश्वनाथ महतो जी, मुखिया जी बिल्कुल से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सभी के साथी हैं, राकेश सिंह जी मुखिया जी, आलोक कुमार जी मुखिया जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप तमाम बहुत सारे हमारे बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश और जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी हैं, और इस सभा में बड़े संख्या में जहाँ तक हमारी नजर पहुँच रही है वहां तक माता बहन नौजवान साथी सम्मानित गार्जियन आप सभी को संगठन का सारे तौर से नमस्कार करना चाहती हूँ। पहले जो हम भागलपुर आए तो हमको लगा कि भागलपुर में दम नहीं है, लेकिन अभी जो हम ये देख रहे हैं कार्यक्रम तो हमको लगता है कि बिहार का सब जिला से अच्छा ताकत यहाँ पे है, क्योंकि पूरे बिहार में 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है और जितनी बड़ी संख्या में माता यहाँ पे है, जो दुर्गा का रूप है, फूलन देवी का रूप है, वो माता इतनी संख्या में है, बिहार में कहीं नहीं, और जब माता बहन का आशीर्वाद प्राप्त हो तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि हमको झुका सकता और हरा सकता है। इसलिए पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेतागण है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
देव बाबूजी को हमारे रामदेव जी, दिनेश जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अच्छा कार्यक्रम किया। और मीडिया वाले बंधु अगर देखते हैं, अगर यहाँ है तो आप देख लीजिए, ये वो भीड़ नहीं है जो मोदी जी बुलाते हैं पैसा देकर, ये वो भीड़ है जो अपने खर्चा से यहाँ पे आए हैं। हमने एक रुपया किसी को दिया नहीं है, सब अपने लोग अपने पैसे से यहाँ पे आए हैं। यही लक्ष्य हमारा है और मैं तो चैलेंज करूंगा इस राज्य के सभी नेता को और देश के बड़ा बड़ा नेता को कि इतना बड़ा धन सैलाब बिना एक रुपया खर्चा किए हुए आप भाग के दिखा दीजिए, तब हम समझेंगे। हम पैसा देकर गाड़ी घोड़ा देकर भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग अपने हक अधिकार के लिए, माता बहन अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चे की लड़ाई के लिए अपना खर्चा करके पसीना बहा कर लाए तो वो सबसे बड़ी बात है साथियों। इसके लिए तमाम हमारे माता बहन को, पार्टी को, सभी को धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद ये भी हमारी लड़ाई बहुत बड़ा है साथियों। अगर इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप अगर बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो इसके लिए दो काम करना पड़ेगा। एक काम, एक रोटी कम खाइए, आप अपनी जरूरत को कम कीजिए। आप अगर झोपड़ी में हैं तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। एक इंसान की जिंदगी में पढ़ाई लिखाई इतना ज्यादा जरूरी है कि जैसे मान लीजिए आप एक इंसान के लिए जरूरी है। अगर आप है और आप पढ़े लिखे नहीं है तो कोई पेपर आएगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा, और ये अगर पढ़े लिखे रहिएगा तो आप पढ़ लीजिएगा, यानी कि आप भी आपको काम नहीं आएगा क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं है। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, अच्छे जो बच्चा पढ़ लिख लेगा दूसरा जो काबिल होगा उसको पता होगा इस संसार में उसका अधिकार क्या है। और आप कितना भी गरीबी रहिएगा, अगर बच्चा पढ़ नहीं पड़ेगा तो आपको झोपड़े से निकल कर महल में पहुंचाने का काम करेगा, महल में पहुंचाने का काम करेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे को पढ़ाई में लिखाइए, और दूसरा अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जो आपका अधिकार है उसके लिए लड़ाई लड़िए। ये भारत देश जो है, ये भारत देश जो है, ये आपका है। ये देश की आजादी दिलाने के लिए पौने 200 साल हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। और लड़ाई में हजारों लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए, और वो एक संकल्प के साथ लड़ते थे कि देश हम आजाद कराएंगे और हमारे आने वाले पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएगा। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में हमको आजादी नहीं मिला। जो उस समय में अंग्रेज से गुलामी करता था, जी हजूरी करता था, आज वही मालिक बना हुआ है, और जिसका बाप दादा बलिदान दिया आज वो गुलाम बना हुआ है साथियों, गुलाम बना है। इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और इसके लिए आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक ताकत दिया, इस देश में एक लोकतंत्र दिया, देश में एक संविधान दिया, और संविधान में देश के हर नागरिक को एक ही अधिकार दिया। और उन्होंने कहा, पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में रानी के कोख से जो बच्चा जन्म ले वही राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, अब राजा वो नहीं बनेगा, अब देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वोट अपने दम पर राजा बनेगा। राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री जिसके पास वोट होगा, चाहे वो गरीब मजदूर हो या किसान हो या मल्ला का बेटा हो, जो भी हो वो अपने वोट पे राजा बनेगा, राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आपने वो शक्ति को नहीं पहचाना, वो ताकत को नहीं समझा जिसके कारण दूसरे लोग राजा बन रहा है और आप उनका प्रजा बने हुए हैं, भिखारी बने हुए आज गुलामी कर रहे हैं। जब वो आता है आपका 200 रुपया में वोट खरीद लेता है और वो राजा बन जाता है, विधायक सांसद
कहा जाता है, लेकिन आप काम करते रहते हैं, आप हमारे लाखों को नहीं समझे। और जो समाज अपने वोट बैंक को ताकत को समझा, वोट को ताकत को समझा, वो समाज देखने के लिए आगे निकल गया। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उत्तर प्रदेश की दलित की बेटी बहन मायावती जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग गरीब घर में जन्म लिए, लेकिन अपने घरों को ताकत को समझे, संघर्ष की ये लड़ाई लड़े। जब लालू जी ने संघर्ष की लड़ाई लड़े, अपना दल बनाए, तो उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया। जब साथ दिए तो लालू जी को दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे, और आज भी उनकी सरकार है साथियों, आज भी उनकी सरकार है। और मुख्यमंत्री वो पैसे के दम पे नहीं बने, वो संसद की बदौलत बने, वोट के दम पे बने। पिछले साथियों आपको भी ऐसी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आपका भी बेटा सर उठा के जी सकता है, क्योंकि आपके पास वोट है। इसलिए साथियों आने वाले समय में हमारी बड़ी लड़ाई है, उस लड़ाई के साथ आई है। आज हमारी लड़ाई है कि निषाद समाज का आरक्षण मिले, और ये आरक्षण कोई हमारा भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। आप लोग आम रूप में काम करना चौकी होता है, आप लोग सिंपल कैलकुलेशन से चेतन कीजिए। आप बताइए मुझे कि बंगाल में आपके गांव से कुछ ही किलोमीटर की दूरी में बंगाल आता है, वहां पे निषाद के सभी जाति को बिन बेजा नरिया वाला चाहे पियर बनपर गंगोता सभी को वहां पे आरक्षण मिल रहा है। आप दिल्ली चले जाइए, वहां पे सभी को आरक्षण मिल रहा है, सभी निषाद जाति को आरक्षण मिल रहा है, ऐसे का दर्जा मिला हुआ। और बंगाल से कटकर बिहार बना, बिहार से कटकर झारखंड बना, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा। आप बताइए इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो है जो सरकार में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, वो दोषी है। जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदो क्यों? आज हमारे एक भाई को आरक्षण है तो दूसरे भाई को क्यों नहीं? तो वो बोलेगा जो आपका आरक्षण अधिकार नहीं दे रहे, और एक गुनेगार आप हैं, एक गुनेगार आप और हम हैं। क्योंकि इसलिए क्योंकि आप और हमने अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। अगर अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते, काश अगर हमारे समाज में भी लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता जन्म लेते, लड़ाई लड़ते, काश निषाद का बेटा आरक्षण मिल गया होता, और आरक्षण मिल गया होता तो आज आपका बच्चा मजबूर है मछली मारने के लिए। आज यूपी बिहार झारखंड जाइए, 135 जिला है, एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता, आज आपका बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, पीडीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है, मजबूर है। दूसरे प्रदेश में जाके नौकरी करना, दूसरे के खेत में जाके नौकरी करना। अभी ठंड आएगा, 3 महीने के बाद ठंड आएगा, दिसंबर महीना का समय होता है, लोग अपने घर से नहीं निकलते हैं क्योंकि ठंड लग जाएगा, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उसी समय में आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति घर से बाहर निकलेगा, पानी उतरेगा, फिर मछली मारेगा, फिर बाजार में बेचेंगे, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा। अगर वो 5 रुपया नहीं मारेंगे तो उसके घर पे चूल्हा नहीं जलेगा। आप बताइए आप कैसे माँ बाप हैं? क्या निषाद समाज में, निषाद कुल में बच्चा जन्म लेना कोई बुरा है? आज आपके घर में बच्चा तो जन्म लेता है, बचपन से लेकर बुढ़ापा तक गरीबी की जंजीर में बंधा हुआ रहता है, उसके लिए कौन लड़ेगा? उसके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा। आज मुझे लोग कहते हैं कि मुकेश सहनी आपका पार्टी है और आप एक जात की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हम एक जात की बात नहीं करते हैं, ये निषाद समाज भेदभाव दुनिया वाला मनोरता जो है, ये मेरे लिए कोई जात नहीं है, मेरा परिवार है, और मैं परिवार के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। लड़ाई लड़ता, मैं इसलिए लड़ाई लड़ता हूं
नहीं होगा, आप जब लड़ भी नहीं कीजिएगा तो आपको कैसे न्याय मिलेगा। आजकल तक बिहार में आपने मुझे देख लिया, मैं कोई अपील करने जन्म नहीं लिया, मैं भी एक साधारण गरीब परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, जिस घर में हजारों समस्या है उस वहीं पे मेरा जन्म हुआ। हर तरह का काम था, अगर चार रोज अगर घर में काम ना हो तो पांचवा दिन घर पे खाना नहीं बनता, ऐसे घर परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने घर में माँ बाप के साथ रहना होता है, उस उम्र में मैं घर छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया नौकरी महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपया रोज पर मजदूरी करता था, लेकिन मैंने नसीब से लड़ाई लड़ा, मैंने नसीब को बदला। बॉम्बे जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया, एक बेहतर जिंदगी जीने लगा, और ये सब संघर्ष की बदौलत हुआ साथियों, संघर्ष की बदौलत। उसके बाद मैंने देखा बिहार में कि लोग चांद पे घर बनाने का सोच रहा है, लेकिन आज भी समाज को निषाद को रहने के लिए घर नहीं है, उसके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। फिर बॉम्बे के आसो राम जिंदगी को, घर परिवार को, बच्चे को छोड़कर पिछले 9 सालों से लगातार आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा था, लड़ाई लड़कर ये बात सही है कि हम आरक्षण नहीं ले पाए, लेकिन मैं जिंदा रहूंगा तो एक दिन ना एक दिन हम आरक्षण लेकर रहेंगे साथियों, एक नए दिन लेकर रहेंगे। लेकिन पिछले 9 सालों में हमने कोई उपलब्धि हासिल नहीं किया। इससे पहले निशान मल्लाह का मतलब क्या होता था, जो मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारेगा, लेकिन हमने बिहार में हमने बताया कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं है, मल्लाह शासन भी कर सकता है। आपने देखा जब आपने हमें साथ दिया, हमने 4 विधायक बनाया बिहार में, अपने दम पर बिहार के मंत्री बने। कब तक निशान का बेटा एक टिकट मांगने के लिए अपने उम्र बिता देता था, वही पर टिकट मांगते नहीं है, आज टिकट मांगते हैं, ये हमारी पहचान है। आपने देखा 4 विधायक बना, सरकार का चाबी हमने जेब में था, हम जिसको चाहते उसको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन हमने ईमानदारी से नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। और यूं कह दीजिए कि आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में बिहार प्रदेश में एक निषाद मल्लाह का बेटा के सहयोग से एक राज्य का मुख्यमंत्री बना साथियों, एक मुख्यमंत्री बना। और ये कैसे कब हुआ, जब हम मैदान में आए आपने कहा सरदार मल्लाह आप आगे बढ़ो, आपने हमें अपना भाई, आपने अपना बेटा, आपने हमें अपना नेता बना, तब जाके ऐसा हुआ, तब परिवर्तन हुआ साथियों, तब ऐसे परिवर्तन हुआ। आज बिहार को अपनी पहचान हो चुका है, लोग जानने पहचानने लगे हैं। आज जैसे दूसरे लोग कर सकते हैं वैसे हम भी कर सकते हैं, आज हमारे पास इतना शक्ति है जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था उनके पास कितना शक्ति है। जब हनुमान जी को एहसास कराया गया, ज्ञान दिलाया गया कि हे प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जा सकते हैं, और जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया साथियों, रावण को लंका जलाने का काम किया। आज वही शक्ति पावर आपके पास है, अगर यह बिहार में यूपी झारखंड में निशा का बेटा अगर एक पैर पे खड़ा हो जाए, मरा चाहे होता अगर एक हो जाएंगे तो हम पटना क्या हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। 15% वोट हमारे पास है, यूपी बिहार झारखंड में हमारी ताकत यह है कि जो हमसे दोस्ती करेगा वो 7 लोकसभा सीट जीतेंगे, और जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 7 लोकसभा सीट हारेंगे, ये ताकत हमारे पास है। आपने देखा 2015 में जब हम रोड पर उतरे तो 12 घंटे में नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा कर दिया और दिल्ली सरकार को भेज दिया कि निशा समाज को आरक्षण दो, ये हमारी ताकत है साथियों। और आने वाला समय में अभी दिल्ली में क्या हुआ, हमने एक नारा दे के निकला है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे साथियों। आज बताइए ना, मोदी जी आते हैं संडे
करके हम मन की बात करते हैं, वो बताएगा मन की बात में कि निषाद समाज अपना आरक्षण जो मांग रहा है ये सही है या गलत है। अगर हम गलत मांग करते हैं हम चार कदम पीछे हटते हैं। अगर हमारी मांग जायज है ये मोदी जी का काम है ना आरक्षण देना, और अगर ये मोदी जी आरक्षण कर हमें ना दे ये मोदी जी हमारे किस काम का तीसरा अच्छा इसे मोदी जी को हटा दे, और हटाने के लिए आपके उम्र में ताकत है और आप हटा सकते हैं। जब एक को हटाइएगा तो दूसरा डरेंगे, जब दूसरा डरेंगे तो आपका काम कर देंगे साथियों, आपका काम करेंगे। तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए हैं साथियों, माता बहन अभी आपका ठंडा आपका दल आप बन चुका है, आप दम के साथ रहिएगा तो बल मिलेगा, और जब बल मिलेगा तो आपका हर समस्या का हल होगा। अगर आप दल के साथ नहीं रहिएगा तो आप दलदल में रहिएगा, और जब दलदल में रहिएगा तो कोई निकल आएगा नहीं, आप वहीं पर फंसे रहिएगा। आज देखिए ना एक पहचान हमने बनाया ना, और ये पहचान ये मुकेश सर ने अकेले नहीं किया, या मुकेश सर को शाहरुख खान के जैसा दिखता है इसलिए पहचान नहीं हुआ। हम मलाह का बेटा है और हमारे साथ आपका आशीर्वाद और प्यार है, इसलिए देश की दुनिया का डॉक्टर जितने भी देता है वो डरते हैं। आज हमें बहुत गर्व होता है, खुशी होता है, आज 60 दिन ही हुआ है, 2 महीना ही हुआ है और दिल्ली का कुर्सी ऐसे ऐसे हिलने लगा है, आज डरने लगा है। और मुझे खुशी है कि दिल्ली का प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री आज एक मल्ला के बेटा से डरता है। आज वो छुपते हैं, वो कहते हैं कि सागर जी जो गलती हुआ उसको माफ कीजिए, आप आइए हमारे साथ और अगला मुख्यमंत्री बनिए, आप हमारे पार्टी में आ जाइए। हमने कहा भाई हम मल्ला का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, हम जाल में फंसते नहीं है, हम अपना झोपड़ी में रहेंगे लेकिन झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। आज मैं मंत्री बना था, मजबूत मंत्री था, सरकार को कहते तो उठो तो उठते थे, उनको कहते बैठो तो बैठते थे। जब चार वो नेता ऊपर बैठता था उसे एक चार नेता में एक आपका भाई आपका बेटा भी बैठता था। जब सरकार में 2,65,000 करोड़ का बजट की बात होता था तो 2.25 करोड़ का 2,65,000 करोड़ का बजट में आपका भाई आपका बेटा बैठता था कि बजट कैसे बनाना है और बिहार राज्य का विकास कैसे करना है। ये हमारी ताकत बना, और ये ताकत आपके उदय से मिला। पटना में जो खजाना है वो खजाना का पास आपका बेटा पहुंचा था, पहली बार आजाद भारत में एक निषाद का बेटा उस खजाने के पास पहुंचा। और जब हम पहुंचे तो हम 90% अनुदान का स्कीम निकाले कि अगर निषाद मल्ला का बेटा अगर 10 लाख रुपए का गाड़ी खरीदेगा तो उसको 1,00,000 रुपए भरना पड़ेगा, 9 लाख रुपए सरकार भरेगा। ये है ताकत है साथी। लेकिन दुश्मन जो है वो बहुत जलाक है, वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा सर उठा के जाइए, वो नहीं चाहता है कि गुलामी का जंजीर को आप तोड़िए। आपने देखा ना जितना जाता उदाहरण मुझे देखिए, आपका विधायक को खरीद लिया क्योंकि आप उसका अधिकार मानते थे, आपको उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार आपने बनाया था। वो देखा कि जो निषाद समाज गुलाम बन के है ये मुकेश सहनी के नेतृत्व में राजा बनना चाहता है और ये राजा बन जाएगा। जैसे लालू प्रसाद यादव राजा बना वैसे निषाद का बेटा भी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, और जब बिहार में निषाद का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो निषाद समाज गुलामी नहीं करेगा। इस समाज को गुलाम अगर बनाना है तो इस समाज का आवाज को बंद करो, और उन्होंने इसी संयम के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। उसको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, उसको आपसे तकलीफ था, वो नहीं चाहता है कि आप सर उठा के जिए, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जिससे लाखों हजारों की संख्या में माता बहन का आशीर्वाद हो उसको दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि झुका सकता है। आज मैं पूरा फिर लौट गया हूं, आज लोगों को मैं झुका रहा हूं। ये साथियों आपके दम पे हुआ है, अभी आईबी वाला रिपोर्ट भेजेगा दिल्ली, आईबी वाला रिपोर्ट भेजेगा नीतीश कुमार जी को और बताएंगे। मेरे बाप मुकेश सहनी जी का जो सभा हुआ ना उसमें लाखों की संख्या हजारों की संख्या में लोग आए थे, और आप एक एक निशान का बेटा तीन बेटा दुनिया मना गंगोता का बेटा आज मुकेश सहनी को अपना नेता मान लिया है। अब मुकेश सहनी की बात मान लीजिए नहीं तो मुकेश सहनी आपको खुशी से उतार देंगे, और जब रिपोर्ट जाएगा तो वो डरेंगे। तो उसको डराना है, अपने काम कराना है साथियों।
और आने वाला समय में आपने देखा ना 2019 में 3 लोकसभा सीट दिया, 2020 में 11 विधानसभा सीट दिया, ये आपको पार्टनर बनाया। इससे पहले क्या होता था, आपको कुछ मिला देता था, कुछ मिला देता था, 200 रुपया दे देता था और आपका वोट खरीद लेता था। लेकिन आज परिस्थिति बदल गया है। आज जो पटना में खजाना है 2.25 लाख करोड़ का, उस खजाना के साथ आपको पार्टनर बनाता है और पार्टनर आपके साथ गठबंधन करता है। और जब आप पार्टनर बनते हैं तो उस खजाना में से हमने 950 करोड़ का यूनिवर्सिटी करवाया, क्योंकि आप खजाना के पास आप मालिक बने हुए हैं। समाज का हित का काम कीजिएगा। इसलिए साथियों, सत्ता पावर ही सब चीज है, उसके अलिया हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़िए। और जब लड़ाई लड़िएगा तो उसमें वो ही परिणाम होगा, हार या जीत। और जब आप घर में बैठेगा तो एक ही परिणाम होगा, हार। और जब मैदान में आइएगा तो हार जीत होगा। क्या होगा, एक बार हारेंगे गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे गिरेंगे फिर उठेंगे, और एक ना एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताएगा। साथियों, हमें जिताएगा, आप अपने पड़ोस से सीखिए ना। पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, फिर देश बचा था। आज आप ही लड़िएगा तो आपको भी आजादी मिलेगा। इसलिए साथियों, इस आजाद भारत में आपका भी अधिकार है, सर उठा के जीना, अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़ना। जैसे दूसरे लोग सर उठा के जी रहे हैं, वैसे आपका भी बच्चे का अधिकार है। आज बताइए, हम लोग माँ बाप कितने मजबूर है, बच्चे को जन्म देते हैं लेकिन वो बीमार पड़ता है इलाज के लिए, अब आप में वो दम तोड़ देता है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराइएगा। और जिसके पास पैसा होता वो अपने बच्चे को जिंदगी देता है, और आपके पास पैसा नहीं होता आप अपने बच्चे को दम तोड़ने में देख लेते हैं और आप कुछ नहीं करते हैं। क्या आप ऐसे माँ बाप बनना चाहते हैं? अगर नहीं बनना चाहते हैं तो आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। सत्ता पावर में आके सब परिवर्तन होता है साथियों, सब परिवर्तन होता है। समाज संगठन में आके परिवर्तन होता है। आज देश में देखिए, आज अगर ब्राह्मण है तो 95% लोग अमीर है, 5% लोग गरीब है। अगर वही मल्ला है, निषाद है तो 95% लोग गरीब है, 5% अमीर है। इस धरती पर सब एक तरीके से आया था, आदि मानव के रूप में आए और आज हम मानव बने हैं। लेकिन एक जाति इतना अमीर और एक जाति इतना गरीब क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एकता के साथ रहा, अपने लोगों को दुख सुख में मदद किया और आगे बढ़ाया। इसलिए आज वो अमीर है और आप गरीब बने हुए हैं। आज जिस रोज आप भी कीजिएगा, एकता के साथ रहिएगा, बच्चे को पढ़ाइएगा, उस रोज आप भी आगे बढ़ जाइएगा। साथियों, आप भी आगे बढ़िएगा, जैसे लघु प्रसाद का समाज आगे बढ़ा वैसे आप भी आगे बढ़िएगा। इसके लिए मजबूत संकल्प लेना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? क्या बात है, लड़ाई लड़ना है तो मजदूर जैसे पूजा में आप बैठते हैं, पंडित जी कहते हैं कि अगर आप सही से पूजा करते हैं तो संकल्प लीजिए, आपके हाथ में फूल पानी गंगा जल देते हैं, अगर तो संकल्प लीजिए। और संकल्प कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए पहले मजबूत इरादा बनाना पड़ता है और संकल्प बनाना पड़ता है। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार है? चलिए, सभी यहाँ पे इतने दूर तक नजर जा रही है, सभी लोग संकल्प लेने के लिए तैयार है। और इस बार को हम ऐसा दवा बनाए हैं, जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए, इस बार हम भी एक ऐसा दवा बनाए हैं कि निशान समाज का भविष्य बेहतर होगा। आप लगाइएगा वैक्सीन इधर और उधर मिलेगा मोदी जी का कुर्सी दिल्ली में, इतना हमारे ताकत है वैक्सीन में। उस वैक्सीन का क्या नाम मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जैसे जैसे वैक्सीन लगाइएगा बिहार में और मोदी जी का कुर्सी मिलेगा दिल्ली में, तो वैक्सीन को निकालिए। जितने भी यहाँ पे बिन बिंदा नंदा मला निशान के सभी साथी गंगोता, सभी माता बहन नौजवान है, पिछड़ा समाज के लोग है, सब निकालिए वैक्सीन को, ये वैक्सीन को निकालिए। और इसको ढक्कन को खोलिए। देखिए, मोदी जी यहाँ है नहीं, वो कैमरामैन भाई साहब है, वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो को रात में मोदी जी को भेजेंगे। सभी लोग निकालिए, सभी लोग ढक्कन को खोलिए, सभी माता बहन ढक्कन को खोलिए और पार्टी का नेता लोग भी दीजिए भाई।
अरे नेता लोग को नहीं दीजिएगा, क्योंकि चुनाव में पहले नेता बदल जाता है। सब नेता लोग को दीजिए, नहीं है धंधा कर नहीं आया है, देखिए ढक्कन खोलिए, सब लोग लीजिए और सब लोग हाथ में लीजिए, शुरू में ऐसे हाथ में, हाँ सभी लोग लीजिए। जितने भी माता बहन है जो अपने बच्चे का अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं, सब लोग हाथ में लीजिए और हाथ ऊपर कीजिए ताकि दिखे कैमरा में कि सब आदमी हाथ उठाया है, सब उठाइए और जैसे जैसे हम संकल्प पर रहे उससे करिए। माए बाबा के पुर महाराज, भगवान भेद व्यास, प्रभु श्रीराम, भगवान गोरवी साहब, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जैसे महाराज, बाबा भारत महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साई उपासनी, वीरांगना पूरन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपने विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राम, जय बीजेपी, जय बिहार। देखिए जितने भी यहाँ माता बहन नौजवान साथी हैं, सभी गार्जियन हैं, सभी माता बहन ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, हम अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और निश्चित तौर पे एक न एक दिन लड़ाई लड़कर किसान को आरक्षण दिलाएंगे। और एक बात हमें पता है कि जब हम पटना में जब लड़ाई लड़े थे तो आरक्षण का फैसला जब दिल्ली भेजा गया उसमें गंगों का नाम छूट गया था, लेकिन आने वाला समय में जब भी आरक्षण होगा निषाद को तो निश्चित तौर पे गंगोत्रा का भी आरक्षण होगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है साथियों, कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि हम सब निषाद हैं और एक ही हमारा घर परिवार है, बेटी रोटी होता है। तो निश्चित तौर पे जिस समय हम मजबूत होंगे, आरक्षण की बात होगा, आरक्षण होगा, उसमें सभी निषाद को जाति को छिन्ना छुना सबको आरक्षण मिल जाएगा। और पार्टी के सभी नेता कर्मियों बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित राजनारायण बिंद जी जो वर्तमान में सरपंच है, ये दूसरी पार्टी में भाजपा में थे, आज घर वापसी कर रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है कि घर का दिया घर में रोशनी कर रहा है, अपने घर का दिया दूसरे घर में रोशनी ना कर रहे, अपने घर में आए, अपने पार्टी अपने नेता को मजबूत करने का काम करें। और साथ ही देवभूमि बिंद जी फिर 35 से आए हैं, ये भी घर वापसी करेंगे। देवभूमि बिंद जी कहा है, देवभूमि बिंद जी आप ही आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथी को माता बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा कार्यक्रम हुआ, पहले तो हमको थोड़ा विचलित थे लेकिन अभी इससे पहले भी बड़ा जनसभा हुआ, यहाँ पे भी बड़ा जनसभा हुआ है और पार्टी के सभी नेतागण को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि बहुत ही अच्छा आपने काम किया है। और हमारे विनय बिंद जी हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष है विनय सिंह निषाद जी, वो उनको हम सोचेंगे, विनय सिंह निषाद जी हम उनको कहेंगे भाई आपका बाल पक गया है, शायद आज अभी कुछ नहीं होगा लेकिन ये बाल पका हुआ का ही कमाल है। हाँ हाँ ये भाई पुराना चावल तो पुराना चावल ही होता है, ये बात तो हमको भी मालूम है, बाप तो बाप ही होता है, बेटा बेटा होता है, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो जोश सुनून के साथ आज आपने किया है, तमाम पार्टी के नेता लोग इसी तरीके से रहिए और बड़े लोग भी कभी कभी उम्र होने के बाद महादर्शन कमेटी में जाते हैं, तो आप लोग भी बाहर से रहिए, मदद कीजिए और नए युवा को नए जोश को भी आगे लाइए, क्योंकि अगला जो बिहार होगा ये युवा प्रदेश होगा और युवा लोग आगे आएंगे। आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे।
को विशेष तौर पे ये है एमपी साहब यानी कि मुखियापति, ठीक है, क्योंकि आप जाइएगा सासाराम के पुल में था तो उधर है ना मुखियापति को एमपी साहब कहते हैं यानी कि मुखियापति, तो ये एमपी साहब है और आने वाला समय में आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुखिया जी भी आए हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों को एक और बड़ी लड़ाई लड़ना है कि महिला को जो आरक्षण मिला है उसमें 27% आरक्षण ओबीसी महिला को मिलेगा, इसके लिए भी आने वाला समय में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे कि ताकि हमारे आने वाला गरीब पिछड़ा दलित ऐसे महिला को भी आरक्षण मिलेगा, वो विधायक और सांसद बने, ये भी हमारी पार्टी का लड़ाई होगा साथियों आने वाले समय में। अच्छा पीरपैती जी का हमारे नेता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्वागत करने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आने वाला समय में आप लोग लड़ाई लड़िए ना, अपना वोट नहीं बेचना है, अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़ना है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। आज देखिए ना हम भी गरीब के घर में जन्म लिए लेकिन लड़ाई के बल पे यहाँ तक पहुंचे हैं, आज देश के प्रधानमंत्री को हम चुनौती देते हैं, ये हमारी पावर है साथियों। इसलिए सभी माता बहन है सत्ता पावर के लिए, चाहे पंचायत का चुनाव हो या वार्ड का चुनाव हो या मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का चुनाव हो, अपने लोगों के साथ अपने नेता के साथ रहिए, जैसे लालू जी के साथ उनके लोग हैं, जैसे पासवान जी के साथ उनके लोग हैं, जैसे माजी जी के साथ है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के अपर कास्ट के लोग उनके साथ है। आपने देखा ना मोदी जी का सरकार बना, 8 लाख कमाने वाले को गरीब मान लिया, ब्राह्मण बुनियाद को 10% आरक्षण दे दिया, लेकिन वही मिसाल का बेटा 1 लाख में नहीं कमाता है लेकिन उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है, लेकिन वही ब्राह्मण बुनियाद का बेटा को आरक्षण मिल रहा है। हम उनका विरोध नहीं करते हैं लेकिन तरीका गलत है, एक तरफ 10 आदमी है खाने के लिए 5 रोटी और एक तरफ 10 आदमी है उसको 20 रोटी खाने के लिए दे रहा, ये सही नहीं है। एक तरफ निशान का बेटा 1 लाख रुपया भी सालाना नहीं कमाता है लेकिन उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है, लेकिन मोदी जी ने सामान्य वर्ग को आरक्षण दे दिया, क्यों? क्योंकि उनकी सरकार बना है इसलिए हो गया। तब मान लीजिए हमारे पास 10 गो सांसद बनेगा और हमारा बात ना माने तो दिल्ली में सरकार रहेगा, 2 मिनट में सरकार गिर जाएगा। आपने देखा ना एक विधायक से मधुकोड़ा साहब झारखंड में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बन गया था, एक सांसद को लेके अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिरा दिया था स्वर्ग रामविलास पासवान जी, सब सत्ता पावर में है और आपके साथ सत्ता पावर होगा तब आपके साथ न्याय होगा, अगर आप सत्ता पावर में नहीं है तो आपके साथ हमेशा न्याय होगा। तो हमें आप देखते होंगे जो गरीब है कमजोर है उसको हर लोग परेशान करता है, जिस भी आप शक्तिशाली हो जाते हैं 10 रुपया कमा लेते हैं तो दुनिया का हर ताकत आपसे लड़ने के लिए उसको सोचना पड़ता है, और इस संसार में ताकत जो है बाबा साहब ने हमें हमारे हाथ में दिया है, उंगली में दिया है, सिर्फ समय समाने पे सही बटन दबाने की जरूरी है और जब सही बटन दबाइएगा तो आपको फायदा मिलेगा। आज मान लीजिए बैंक में आपका 10,000 रुपया आपके पास है, 10,000 रुपया आप दूसरे को दे दीजिएगा जब आपको जरूरी पड़ेगा तो आपको नहीं मिलेगा, उसी तरीके से दूसरे को वोट दे दीजिएगा जब आपको न्याय चाहिए तब आपको न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन वही पैसा अगर अपने बैंक में डाल के रखिएगा तो जब मर्जी होगा तभी एटीएम का बटन दाबिएगा और 10,000 रुपया निकल जाएगा। अगर अपने पार्टी अपने दल के साथ अपने नेता के साथ अगर वोट को रखिएगा तो नेता आपका मजबूत होगा तो आपके लिए लड़ाई लड़ेगा संघर्ष करेगा। आज बताइए ना हम गांव में मछली मारते रहते हैं तो क्या मैं इतने में लड़ाई लड़ता, नहीं लड़ाई लड़ता, मैं बॉम्बे गया मेहनत किया मजदूरी किया जब 2 रुपया कमाया तो हमने सोचा ये रुपया जो है हमारे समाज का विकास के लिए काम आए, उनकी मान सम्मान अधिकार के लिए काम आए, और वो पैसे को मैं आज खर्च करके पूरे बिहार में हिंदुस्तान में अपने समाज को सर उठा करने के लिए काम कर रहा हूँ। पैसा तो बुनियाद के पास भी है, लाला के पास भी है, क्या वो आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है? नहीं लड़ाई लड़ रहा, मैं क्यों लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आपका भाई आपका बेटा हूँ। कहाँ मैं चला गया भूमिहार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, कहाँ ब्राह्मण के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, और भी समाज के साथ लड़ाई तकलीफ है लेकिन उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहा, आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ क्योंकि हम आपका भाई आपका बेटा है। आज आप ही के दम पर बिहार में या देश में इतना बड़ा हमारी पहचान है, हम इतने बड़े नेता हैं, अगर आप नहीं रहते आप हमें साथ नहीं देते तो हम जीरो होते जीरो, आज अगर हम हीरो हैं तो आप ही के दम पे हैं, और जितना बड़ा हीरो रहेंगे उतना बड़ा आपके लिए काम करेंगे, और जब हम ही जीरो रहेंगे तो हम क्या करेंगे आपके लिए, कुछ नहीं,
आज हम मछली मारते रहते तो हम अपने घर परिवार अपने बच्चे के लिए सोचते आपके लिए कैसे सोचते। इसलिए साथियों कम से कम अपना वोट के लिए अपने नेता के लिए एक रोज समय निकालिए, अपने संगठन को मजबूत कीजिए। ये कालगांव का सीट जो है 2020 में हमको मिल रहा था, गठबंधन में हमको मिल रहा था, लेकिन हमने नहीं लिया सीट। और जब से हम बिहार में आए, भागलपुर में आए, तो हम हमेशा सोच रखते थे कि कालगांव का सीट लेकर निषाद का विधायक बनाएंगे। और जब हमको सीट मिल रहा था 2020 में, तो हमने ये सीट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप लोग सक्षम मजबूत नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए हम सोचे लड़ाई लड़ेंगे और हम हार जाएंगे। और जिस रोज आप हमको बताइएगा कि संजय पल्ला आप हमें हमारा सीट दो, हम लड़के सीट के दिखा देंगे। और जिस रोज आप पे हमको भरोसा होगा उस रोज आप ये सीट लेंगे और कालगांव में निषाद का बेटा विधायक बनेगा। लेकिन मैदान में उतारने से पहले तो हमको अंदाजा होना चाहिए ना कि आप जीतिएगा। दूसरा पहलवान को उठाकर पकड़ दीजिएगा और जब हमको पता चलेगा तब हम आपको पहलवान बनाएंगे। और जब पहले से हमको पता है कि मरुआ पहलवान के सामने में आप टिकिएगा नहीं, वो दो बार आपको पटक देगा, तो वहां पर हम अपना सर को झुकाए। तो इसलिए साथियों पार्टी बहुत मजबूत है। पार्टी के नेता लोग से भी कहेंगे एक एक गांव में एक एक घर में जाइए और संकल्प अभियान को चलाइए। एक एक निषाद के घर पे जाइए और संकल्प करवाइए, वीडियो बनाइए और मोदी जी को डायरेक्ट ट्वीट कर दीजिए और उनको भेज दीजिए। बताइए कि ये भागलपुर का निषाद का बेटा है, कालगांव का निषाद का बेटा है, हाथ में गंगा जल लेकर गंगा माता का सौगंध खा लिया है कि हम अपना वोट नहीं बेचेंगे, हम अपने नेता अपने दल के साथ रहेंगे। और जब मोदी जी को रिपोर्ट जाएगा तो वो डरेंगे। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है जो मैं कर रहा हूं। पूरा देश के लोग परेशान है कि मुकेश सहनी ने कैसा जादू का छड़ी निकाल दिया है जिससे बड़का बड़का नेता सीधा हो रहा है। और ये गांव में सही से कर लीजिएगा ना तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले समय में 8 से 10 साल में निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा। सिर्फ जरूरी है मजबूती से संकल्प लेने का। आज मैं ऐसा और आपकी जिंदगी जी रहा था, मैं इतने घर में रहता था, महल में रहता था, बड़े बिहारी में घूमता था, लेकिन आज वो छोड़कर संकल्प के साथ लड़ाई लड़ा। अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया, हमको मौका मिला कि रथ में खाना खा लीजिए, हम बोले नहीं, पहले कार्यक्रम करेंगे फिर खाना खाएंगे। अभी खाना खाएंगे, यहाँ से निकलेंगे सीधा पटना जाएंगे, कल वहां से उत्तर प्रदेश जाएंगे, परसों उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम है जोधपुर में, आजमगढ़ में कार्यक्रम है, फिर वहां करेंगे, फिर वहां से निकलेंगे, फिर खगड़िया जाके कार्यक्रम करेंगे, फिर मधेपुरा जाके सुपौल जिला में करेंगे, सहरसा में करेंगे। दिन रात आज एक लड़ाई लड़ रहे हैं और मेरे पास इतना है कि हमारे साथ भी नहीं बैठ के खा सकता है, इतना मेरे पास है। लेकिन उसके बावजूद भी आज आपके हक अधिकार के लिए के प्यार से लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यूपी बिहार में 5 करोड़ निषाद परिवार है, सबके चेहरे पे मुस्कान आए, जिस पर आरक्षण लागू हो जाएगा, हर घर में नौकरी आएगा, हर घर खुशहाल होगा। आज हम भूल गए तो क्या हुआ, लेकिन हमारे आने वाला पीढ़ी बेहतर जिंदगी जिएगा। और हमें लड़ाई लड़ना है और समाज में हमेशा कोई ना कोई पैदा होता है लड़ाई लड़ने के लिए, जैसे लालू प्रसाद हुए, मुलायम सिंह हुए, बहन मायावती जी हुए, स्वर्गीय पासवान जी हुए, सभी लोगों ने अपनी पहचान बनाया, अपने समाज को आगे बढ़ाया। आज हम लोगों को भी लड़ना है, ये आजादी की लड़ाई है। पार्टी के सभी नेतागण को फोटो खिंचाइए या ना खिंचाइए, ये आजादी की लड़ाई है। और इस आजादी में जब जीत जाइएगा तो आपके आने वाला पीढ़ी जो है याद करेगा। आज हमें अफसोस होता ना कि काश अगर लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता इस जात में अगर जन्म लेते तो आज हमारा तकलीफ दूर हो गया रहता, आज तकलीफ हो रहा ना। अगर आज हम नहीं करेंगे तो आने वाला 50 साल के बाद भी आने वाला पीढ़ी यही कहेंगे कि काश हमारे जात में नेता पैदा होता। आज हम पैदा लिए और करेंगे। जब तक हम दशरथ मांझी जी के जैसे हमने निर्णय ले लिया, जैसे उन्होंने कहा था ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी तरीके से जब तक अधिकार नहीं ले लेंगे तब तक हम किसी को चैन से बैठने नहीं देंगे और किसी को जीने नहीं देंगे। साथियों अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे। इसलिए शुभकामना के साथ पार्टी के सभी नेतागण माता बहन पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो संदेश है ये गांव गांव तक पहुंचाइए, माता मायके में फोन करके बताइए 1 रुपया खर्च होगा, बताइएगा किसानी जी आए थे और अच्छे अच्छे बात बोल के गए, और उनको बताइएगा, उनको कहिएगा कि अपने गांव में अपने लोगों को मजबूत करो। और जितने भी हमारे नेतागण हैं गांव गांव में घूमकर युवा
सभी लोग अपने आप को जैसे मैं सदा पल्ला बन के घूमता हूँ वैसे आप लोग भी सदा पल्ला बनकर गांव गांव में घूमिए और एक एक लोगों को संकल्प कीजिए। आज हम पंडित जी बन के आपका संकल्प करवाए हैं, इसके बाद आप लोग गांव में घुसिए, अपने आप को पंडित जी बनिए और सभी को संकल्प कराने का काम कीजिए।